अब उनका तो काम है, कुछ लोग हमारे रामपुर से भी एक संविदा के विधायक बन गए पुलिस के डंडे से, 3-4 साल की संविदा पर आए हैं वो। और सबसे बढ़िया बात है, उन्होंने मतलब आदमी अगर अपनी बातचीत में ईमानदार रहे तो जीतने के अगले दिन उन्होंने खुद कह दिया कि मैं कैसे जीता हूं ये मुझे भी मालूम है, क्योंकि उससे 1 साल पहले वो जेल में लेटे हुए एक शख्स से करीब 60,000 वोटों से हारे थे। वो आपके बसपा प्रत्याशी जो है उनके आते हैं, क्यों आते हैं, राजनेता है भाई, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कम से कम एक बात के कहने की है कि हम जिसके होते हैं उसके होते हैं, और जिसके नहीं होते हैं तो फिर उसके नहीं होते हैं। अगर आपके हैं तो आपके हैं, और उसके लिए हर कीमत अदा करी है, और मालिक ना करे आगे अदा करनी पड़ेगी तो उसके लिए भी तैयार है, क्योंकि आपके हैं तो इंशाल्लाह हमेशा आप ही के रहेंगे, और जब तक रहेंगे आप ही के रहेंगे। इसी दरख्वास्त के साथ, क्योंकि वक्त की कमी है, मुझे बिलासपुर जाना है, आराम से मैं आपसे बस एक अपनी आखिरी इल्तिजा करूंगा कि खेतकी जी, बहुत इनसे आपकी नाराजगी हो सकती है, बिल्कुल उससे नाराजगी नहीं है भाई, नाराजगी 100% लोग तो किसी से भी कुछ नहीं है, मुझसे भी हो सकती है, लेकिन ये वक्त नाराजगी से अलग होने का नहीं है, ये वक्त अपनी ताकत को इकट्ठा करके, अपनी नुमाइंदगी मजबूत करने का है, इसलिए अगर आपकी कोई नाराजगी इनसे है तो मैं आजम खान साहब का पैगाम लेकर आपके पास आया हूं कि हमारी प्रत्याशी महोदया जो है इनसे इस वक्त की नाराजगी को दूर करके इनका साथ दीजिए। अरे भाई साहब चुप हो जाओ, 1 मिनट यार, आप बोलो, आप बोलो, मैं चुप हो जाता, आप बोलो, मैं आप ही बोलो, मैं खड़ा, आप बोलो, अभिनंदन पे ना आजम खान साहब को खुद आना था, लेकिन क्योंकि आपको मालूम है पिछले 6 महीने में उनके 4 ऑपरेशन हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने मुझे अपना पैगाम लेकर भेजा है, और मैं उनसे उनका पैगाम लेकर ये कहने आया हूं कि अगर आपके दिलों में आज भी आजम खान साहब के लिए जो इज्जत, जो मोहब्बत कायम है, उस मोहब्बत का वास्ता देने आया हूं कि अपना 1-1 वोट